मुझे पहले इसमें राम जी का चेहरा दिखाई दिया, बियर्ड भरी जो बियर्ड आ रही है ना, जो 15 से 20 हजार लोग आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले खाटू श्याम जी प्रकट हुए हैं। आप देख सकते हैं कि साक्षात बिल्कुल खाटू श्याम जैसी आकृति दीवार पर उभर कर आई है और वहां के लोग मान बैठे हैं कि किसे खाटू श्याम जी महाराज ही प्रकट हुए हैं। वहां पर मूर्ति वगैरह रख दी है। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही वहाँ पर खाटू श्याम ने दर्शन दिए हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पुलिस वाले भी वहाँ आ गए। पुलिस वालों का कहना है कि ये सब एक पाखंड है, ऐसा कुछ नहीं होता है और ऐसा बोल बोल कर सभी को भगा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये उस प्लॉट के मालिक है जहाँ पर खाटू श्याम जी प्रकट हुए हैं। आपको बता दें कि जिस समय से खाटू श्याम जी की आकृति उभर कर आई है उसी समय से वहाँ पर लोगों का तांता लग गया है। कम से कम 15 से 20 हजार लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। भीड़ का माहौल है और सभी लोग जय खाटू श्याम जी महाराज के हारे के सहारे के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सभी लोग हाथ में फ़ोन लेकर कैमरा लेकर वीडियो बना रहे हैं और इधर ज़मीन के मालिक को पुलिस वालों ने अपने साथ ले लिया है और उससे पूछताछ के लिए उनको अपने साथ लेकर जा रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसी जगह पर खाटू श्याम जी ने दर्शन दिए हैं। अब आपको बता दें कि हिंदू धर्म तो आस्था का संगम होता है। हर जगह अगर ऐसा कुछ होता है तो हिंदू धर्म सबसे पहले उभर कर आता है। जाओ खाटू श्याम जी, यहाँ से कम 15 से 20 हजार लोग आ चुके हैं। अच्छा, जागरण हुआ पब्लिक रूप। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, 15 से 20 हजार लोग यहाँ पर आना जाना हो चुका है और आप देख भी सकते हैं कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। जिस जिसको पता चल रहा है दिल्ली में खाटू श्याम जी प्रकट हुए वे दर्शन करने के लिए भागे आ रहे हैं, क्योंकि आस्था का संगम है, आस्था का विभोर है। उसके बाद मुझे फिर सीधा वहाँ से ना अब भगवान की लीला बाबा श्याम जैसे। तो दोस्तों यही वो लड़का जिसने सबसे पहले खाटू श्याम जी महाराज को प्रकट होते हुए देखा था, ये बता रहे कि उन्होंने क्यों लगा कि वह राम जी है, लेकिन धीरे धीरे उनकी बियर्ड यानी कि दाढ़ियाँ भी बनने लगी, फिर उनकी आकृति बिल्कुल खाटू श्याम जी महाराज की जैसी हो गई है। जैसे उनका सर दिखाई देता है बिना धड़के, वैसे वो दिखाई दे रहे थे और उनकी आकृति हूबहू राजस्थान वाले खाटू श्याम जी महाराज के जैसे दिख रही थी। आप देख भी सकते हैं कि बियर्ड्स के साथ यानी कि दाढ़ी के साथ वो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं मानो खाटू श्याम जी सामने ही खड़े हो। और दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि सनातन धर्म अपना हिंदू धर्म कितना प्राचीन धर्म है। ये धर्म ऐसा है जो सभी धर्मों को साथ लेकर चलता है। जहाँ पर भी हमारे देवी देवता होते हैं हमारा आस्था का संगम होता है, हम आस्था के साथ उनकी पूजा करते हैं। हिंदू धर्म इतना बड़ा है कि हर कोई सोचता कि मैं भी एक हिंदू होता। और साथ ही आपको देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में भी अब खाटू श्याम जी प्रकट हुए हैं, तो ये भी एक चमत्कार ही है। आस्था का संगम है, सभी लोग दर्शन करने के लिए भाग रहे हैं। आगे आपको बता दें कि सुनने में ये भी आ रहा है कि वहाँ पर बिल्कुल काली पुताई कर दी गई है पुलिस के द्वारा और पुलिस वाले बोल रहे हैं कि ये सब ढोंग है, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन उनको क्या पता ये क्या चीज़ है। शक्ति तो शक्ति होती है, खाटू श्याम जी महाराज दीवार पर ऐसे प्रस्तुत नहीं होते हैं और कहीं खाटू श्याम के ऐसे रूप में दिखाई नहीं दिए हैं। ऐसा क्यों हुआ कि वो यहीं पर प्रकट हुए हैं। और दोस्तों अब सुनने में आ रहा है कि ये प्लॉट किसी ने खरीद लिया है पैसे देकर और यहाँ पर मंदिर बनवाने की भी सोच रही है। बहुत अच्छा होगा दोस्तों, क्योंकि साक्षात खाटू श्याम जी महाराज ने यहाँ पर दर्शन दिए हैं, मंदिर बनेगा, आस्था का संगम होगा, साथ ही बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिलता ही है। आपको बता दें कि यहाँ की तंग गलियाँ है, लेकिन जब भीड़ होती है तो प्रशासन को आकर खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि प्रशासन को भी आना बीच में ज़रूरी है। लेकिन जो भी है दोस्तों, आस्था का संगम है, अपने भगवान अपने खाटू श्याम जी महाराज, अब हमें राजस्थान वाले खाटू श्याम जी महाराज के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दिल्ली में ही हमारे खाटू श्याम जी महाराज प्रकट हो गए हैं। आपको बता दें कि खाटू श्याम जी महाराज एक ऐसे देवता है, अगर आप कुछ भी अपनी मन्नत लेके जाते हैं तो वह तुरंत पूर्ण कर देते हैं। और दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम आपको दिखाएंगे कि यह ज़मीन किसने खरीदी है और मंदिर का निर्माण कब से शुरू होने वाला है, क्योंकि मंदिर अगर बन गया तो आस्था का संगम बन जाएगा, क्योंकि साक्षात खाटू श्याम जी महाराज ने दर्शन दिए हैं। आप लोग देख भी सकते हैं कि कैसा चित्र उभर कर आ रहा है दीवार पर और दीवार जिसकी दीवार है वो भी कह रहे हैं कि रात को खाटू श्याम जी महाराज उसके सपने में आए थे और उन्होंने ऐसा संगम दिखाया है। और चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि प्रशासन ने, वहाँ के पुलिस वालों ने, दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर अब क्या कर दिया है।
बहुत से लोगों ने यहाँ पर जय हिंदू भी लिख दिया है और पुलिस वालों ने यहाँ पर काले की भी पुताई कर दी है। लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर साक्षात खाटू श्याम जी महाराज दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करके वहाँ से जा रहे हैं और अभी भी लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि यह ज़मीन किसने खरीदी है और कितने रुपये में खरीदी है और साथ ही मंदिर का निर्माण यहाँ पर कब से शुरू हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री खाटू श्याम जी महाराज, जय जय श्री राम।